हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, आपको ऑयल लगाने से पहले अपने बालों के जो नॉट होते हैं, गांठें होती हैं, उनको अच्छे से रिमूव करना है। पहले बालों की लेंथ कॉम्ब करनी है, उसके बाद आपको पूरे बालों की जड़ों से कंघी करना है, जड़ों में अच्छे से कंघी करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो सके। और उसके बाद जो मैंने ये ऑयल बनाया, इससे पहले जो वीडियो डाली है ऑयल बनाने की, उस ऑयल को ही मैं अपने बालों में लगा रही हूँ, तो आपको अच्छे से दिखाऊंगी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं जो घर पर नेचुरल ऑयल बनाती हूँ वही लगाती हूँ, तो मैंने अच्छे से बालों को कंघी कर ली है। इसके बाद आपको ये ऑयल ले लेना है और अपने बालों की जड़ों में अच्छे से मसाज करना है। इसमें देख सकते हैं आप, आंवले हैं और नेचुरल है, घर पर बनाया है, कोई केमिकल नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो अच्छे से आप घर पर बना करके ऑयल को लगा सकते हो। आप चाहें तो जो आपको ऑयल सूट करता है उसे लगाइए, लेकिन विधि ये होती है कि आपको बालों की जड़ों में अच्छे से मसाज करना ज़रूरी होता है। बाल रूखे नहीं होंगे और जो डैंड्रफ होगा वो भी आपके स्कैल्प में नहीं होगा। अगर सुबह 2 घंटे पहले आप ऑयल लगा लेते हैं अपना समय निकाल करके, तो ये बहुत अच्छा समय रहता है, क्योंकि ज़्यादा देर बालों में ऑयल लगा करके रखना बहुत, ये है कि धूल मिट्टी डस्ट हमारे बालों में चिपक जाती है जड़ों में, इससे डैंड्रफ होता है। इसलिए 2 घंटे काफ़ी होते हैं ऑयल लगा करके रखना, और चाहे तो आप रात को लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को आप फ्री माइंड हो करके ऑयलिंग करें, उसके बाद ही आपको लूज से एक चोटी बना करके सोना चाहिए। इससे बाल टूटेंगे नहीं आपके, आप रिलैक्स हो करके अपने बालों की केयर भी कर पाएंगे और नींद भी अच्छी आएगी। तो रात को चाहे तो रात को लगा सकते हैं, आपके बाल साफ हैं तो। हाँ, साफ सुथरे बालों में ही ऑयल लगाना चाहिए, और बालों में ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि तेल नहीं लगाना चाहिए, ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बालों में मॉइस्चर रहता है, साथ ही बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है। और आपको सबसे ज़्यादा खाने पीने का ध्यान ज़्यादा देना है, और उसके बाद जो भी ऑयल है, होममेड हेयर मास्क है, टोनर है, इन चीज़ों का यूज करें, और आपके बाल बहुत अच्छे स्वस्थ और लंबे घने होंगे। लॉन्ग टाइम तक आपके बालों की जो थिकनेस है वो बनी रहेगी। तो नेचुरल तरीके से हेयर केयर करें। गाइज, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऑयलिंग का वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे होम रेमेडीज लेकर के आती हूँ, कैसे केयर करनी है, क्या करना है, ये सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, इसलिए कि आपको भी जैसे मैं अपने बालों की केयर कर रही हूँ वैसे आप भी करें और आपके भी बाल अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। मैं ये नहीं कहती कि मेरे बराबर लंबे आपके बाल हो जाएंगे, हाँ जितनी आपके बालों की लेंथ होगी, जैसे आपके बालों की ग्रोथ होगी उस हिसाब से बालों की ग्रोथ बढ़ती है, एकदम से बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते, धीरे धीरे बाल बढ़ते हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जा कर के स्वस्थ बाल होते हैं। और आप भी अपने बालों को ऐसे ही स्वस्थ घने कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से सर को डाउन करके ही ऑयलिंग करें, ये बहुत बेस्ट तरीका रहता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।